स्कूल फिर से बंद कर दिए गए। सरकार ने अहम फैसला लिया है और अब अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जारी रहेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कल जब कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसको लेकर ये फैसला जो है उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया। स्कूलों को आज से अगले आदेश तक के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बीच कई राज्यों के स्कूलों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। आधे मिनट में देखिए हमारे रिपोर्ट। हरियाणा के संगारेड्डी जिले में एक गांव के रेजिडेंशियल स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल की 27 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सभी को हॉस्टल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में ऐसा चौथा मामला सामने आया है। सोमवार कुर्सी स्कूल में 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं त्रिपुरा के धर्मपुर में एक प्राइवेट स्कूल में 25 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्टूडेंट के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 300 सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको पहुंचा दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से विदेश से आने वाले यात्रियों की पहचान कर रही हैं, जांच कर रही हैं। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। दिल्ली सरकार ने भी सुबह 11 बजे वही एक और अहम खबर, ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। कोरोना के नए संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, करीब 3.5 घंटे चली पीएम की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। ब्रिटेन से केरल आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जानकारी मिल रही है। संक्रमित व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत में सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच पिछले 3 दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 संदिग्धों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत आए थे। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ये लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं। गौरतलब है भारत में अब तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ये दोनों ही मामले कर्नाटक में मिले हैं। उनमें से एक बेंगलुरु के 46 वर्षीय डॉक्टर हैं। इनके टीके के दोनों